नमस्कार। आज से कुछ साल पहले तक सुपरमार्केट बहुत ही कम था, लेकिन अभी के समय में हर सिटी में आपको सुपरमार्केट मिलेगा ही मिलेगा। काफी सारे बड़े बड़े कंपनियां जैसे रिलायंस और टाटा भी इस मार्केट में जमकर इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि काफी सारे सुपरमार्केट लॉस में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वही कुछ अपने शानदार बिजनेस मॉडल के जरिए लोगों के चीज को सस्ते में बेचकर और खुद भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ डीमार्ट सुपरमार्केट के बारे में। अगर आप किसी सिटी में रहते हैं तो डीमार्ट तो आप कभी ना कभी जरूर गए होंगे, क्योंकि ये भारत के सबसे बड़े सुपरमार्केट कंपनियों में से एक है। भारत में एक रिटेल स्टोर की चेन है जिसका नाम है डीमार्ट। ये काफी पॉपुलर है और ये काफी सस्ते में अच्छा सामान देते हैं, जो बाकी दूसरे रिटेल स्टोर वाले नहीं दे पाते। तो जाहिर सी बात है, लोग सोचेंगे कि सस्ते में अच्छा सामान और इतने सारे डिस्काउंट देकर आखिर कैसे मुनाफा कमा लेते हैं, इसके सक्सेस की स्टोरी क्या है, ये काम कैसे करते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आता ही होगा। तो बिना देर किए मैं इस वीडियो में आपको शुरू से डीमार्ट के बारे में सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अगर आप डीमार्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। डीमार्ट एक सुपरमार्केट चेन है जिसमें लोगों को रोजमर्रे की जरूरतों का सामान मिलता है और ये एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड द्वारा मेंटेन किया जाता है। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। ये आज की तारीख में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला सुपरमार्केट है। हालांकि अभी भी ये पूरे इंडिया में नहीं है, लेकिन जहां जहां पर इसकी स्टोरेज है वहां ये खूब मुनाफे कमा रहे हैं। डीमार्ट की फाउंडर राधा कृष्ण दमानी और इसका पहला स्टोर 15 मई 2022 पावाई मुंबई में है और अभी पूरे देश भर में लगभग 15 स्टेट में 310 के करीब इसकी स्टोर बन चुका है। और इन्होंने इस तरह की सुपरमार्केट चेन बनाई जो लोगों के लिए और खुद के लिए भी फायदेमंद थे। राधा कृष्ण दमानी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिस वजह से आम आदमी की जरूरतों को वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा भी वो शेयर मार्केट का एक्सपर्ट भी है, जिस कारण उन्हें ये भी आइडिया है कि किस जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि कोई भी जगह रिटेल स्टोर खोलने के लिए जमीन की जरूरत होती है, चाहे वो जमीन आपके खुद की हो या रेंट की। अगर किराए के होगा तो जाहिर सी बात है आपको स्टोर चले या ना चले पर मंथ आपको रेंट देना ही होगा। डीमार्ट इस किराए की झंझट से काफी दूर रहता है, क्योंकि इनके पास जितने भी स्टोरेज है लगभग सभी जगह खुद का ही है। और अगर कोई जमीन नहीं खरीदा हुआ है तो वो कुछ साल के लिए उसे लीज पर ले लेते हैं, ताकि रेंट की झंझट से बिल्कुल ना रहे। तो डीमार्ट ने रेंट का पैसा बचा लिया तो सामान तो थोड़ा सस्ता मिलेगा ही। कई सुपरमार्केट किराए की जमीन की पैसा आपके द्वारा खरीदी गई सामान से ही वसूलते हैं, जिसके कारण प्रोडक्ट की दाम थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। अगर आप डीमार्ट गए होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें हमेशा डिस्काउंट मिलता ही है और उन्होंने अपने ग्राहकों को अपने से जोड़ने के लिए कभी कभी नहीं बल्कि डेली डिस्काउंट देते हैं। और इस डिस्काउंट के कारण लोग डीमार्ट से शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना डिस्काउंट डेली कैसे देते हैं और इससे उसका प्रॉफिट कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इनके डिस्काउंट और प्रॉफिट के चार रास्ते। पहला, डीमार्ट में आप जितने भी प्रोडक्ट देखते हैं उन्हें वहां रखने के लिए उन प्रोडक्ट की कंपनियां डीमार्ट को फीस देता है, ताकि वो प्रोडक्ट वहां पर जल्दी बिक सके, तो यहां पर डीमार्ट का एक बड़ा मुनाफा हो जाता है। दूसरा, डीमार्ट एक साथ लॉट में प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिस कारण उन्हें एमआरपी से कम रेट पर सामान मिल जाते हैं, जिस कारण वो आसानी से आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तीसरा, डीमार्ट में प्रोडक्ट काफी तेजी और ज्यादा क्वांटिटी में बिकता है, जिस कारण की वजह से प्रोडक्ट कंपनी को भी टाइम पे पूरा पेमेंट कर पाते हैं। कई कंपनियां डीमार्ट को इसी कारण की वजह से उन्हें और भी डिस्काउंट देते हैं, ताकि उनका प्रोडक्ट और तेजी से सेल हो सके। और चौथा, डीमार्ट अपने शोरूम में कभी भी फालतू खर्चा नहीं करते हैं। इनका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा। इसलिए आपने देखा होगा डीमार्ट के रिटेल स्टोर पर सजावट, लाइट, स्टाफ आदि पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते, जिससे इनकी काफी ज्यादा बचत हो जाती है। डीमार्ट कहीं भी स्टोर खोलने से पहले उस एरिया पर अच्छे से रिसर्च करते हैं, लोगों की जरूरतों को जानते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोग कौन से लोकल तथा ब्रांड पसंद करते हैं और वो हिसाब से वहाँ की स्टोर में वो प्रोडक्ट रखता है। और उसी कारण लोग किसी दूसरे सुपरमार्केट जाने की जगह डीमार्ट जाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ उनका लगभग सारे पसंदीदा सामान एक साथ मिल जाते हैं। और ये सब कारण की वजह से ही डीमार्ट अपने बिजनेस की सिस्टम को ऐसा बना चुका है कि डिस्काउंट देने में इनका कोई नुकसान नहीं होता। इसमें डीमार्ट, प्रोडक्ट कंपनी और कस्टमर तीनों हैप्पी रहते हैं। बस यही है इनकी बिजनेस की मॉडल और इनकी सफल होने की राज।
लोग डीमार्ट का इस्तेमाल ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें अपने जरूरतों को सारे सामग्री एक जगह पर प्राप्त हो जाती है। आप डीमार्ट की वेबसाइट से भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। डीमार्ट का वेबसाइट dmart.in है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के जरिए आप लोगों को डीमार्ट के बारे में बेसिक कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। अगर सही में आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप इस टॉपिक के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि हमें भी आप लोगों से कुछ सीखने को मिले। वीडियो की अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।